Hi, I'm Shafkat from Gujarat. Hello, I'm Yuvraj from Rajasthan. Hi, I'm Yash from Goa. How do you like the university so far? यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो बहुत अच्छा है। सराउंडिंग एरिया सब बहुत क्लीन है। एनीथिंग फैकल्टीज भी अच्छी है और काफ़ी क्लीन इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ का। सब कुछ अच्छा है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। सो आई नो कि आपने अभी सिटी अच्छे से देखी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जितना अभी तक देखा है, हाउ डू यू लाइक इट? सिटी तो बहुत अच्छी है, पूरी क्लीन है। साफ सुथरी है, कचरा अभी तक नहीं हमने होंगे। थोड़ा बहुत थोड़ी सिटी एक्सप्लोर की है, उसमें तो हम बहुत सेटिस्फाई हैं। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है और सब कुछ एकदम क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। सो एवरीवन इन इंडिया, सभी को ये रहता है कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा, हमसे क्या पूछेंगे, क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिक है, आपको अगर बेसिक आपका क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं है। जो नीट जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछते नहीं, अगर आपका नीट क्लियर है तो आपको बेसिक तो आती ही होगी, और कोई टेंशन नहीं है। बस इतना है कि थोड़ा अपने वो रिवाइज करते रहो बस। नीट क्लियर करके आए हो तो ऐसे ही निकल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में वैसे बेसिकली क्या क्या पूछते हैं आपसे? बहुत बेसिक, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आसानी से अगर आप क्लियर हो नीट जाएगा। क्वालिफाई अगर करके आए हो तो फिर आपका पक्का है कि ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ के कुछ ओवर कॉन्फिडेंस कंसल्टेंट्स में मत बोलते रहना। हैं कि मतलब वो हार्ड है, वो लोग फेल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप वरी मत करो बिल्कुल भी। बहुत इजी है, अब बेसिक लेवल एग्जामिनेशन है। सो आपका जो अभी तक इंटरेक्शन हुआ है टीचर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ, सो क्या उनको इंग्लिश आती है? वर यू एबल टू कम्युनिकेट विद देम? यस, हाँ, हाँ स्टाफ उनको को तो आसानी से बोल ज्यादातर देते हैं। सबको इंग्लिश आती है। अब जितने भी हम लोग के एग्जाम्स में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो सबको मोस्ट ऑफ देम को इंग्लिश आती है। जहाँ पे जिन किसी को नहीं आती है तो वहाँ पे हमारे एक कंसल्टेंट हैं, हेल्प कर देते हैं। व्हाट अबाउट रैगिंग? स्टूडेंट्स को ही रहता है कि जब वो अब्रॉड जाएंगे, तो जैसे हाँ इंडिया में काफी जगह है प्रॉब्लम हाँ रैगिंग हाँ का, तो आपको यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिला? अभी तक नहीं, तो हमने ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं है फेस हमें। नहीं किया इधर। ओके, सो यहाँ पे इन कजान फेडरल, यू नो देर आर फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अदर हाँ कंट्रीज ऑल्सो, लाइक हाँ इजिप्ट, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, अदर कंट्रीज ऑल्सो, उज़्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। सो आपका इंटरेक्शन कैसा रहा उनके साथ? अभी हमारा दो तीन उज़्बेकिस्तान के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, हाँ उनको भी इंग्लिश आती थी, अच्छे लोग थे। अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग। और जैसे हम हाँ यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स को इंग्लिश आती है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वहाँ ऑलमोस्ट सबको इंग्लिश आती है। वहाँ एकदम कंफर्टेबल रहते हो आप इंग्लिश। वन मोर थिंग, व्हाट डू यू थिंक कि रशियन लैंग्वेज इज इट कंपल्सरी टू लर्न इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव हेयर? सर्वाइवल के लिए क्या ये जरूरी है? रशियन मतलब के लैंग्वेज कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लो तो आपको आसानी होगी। मतलब हर जगह आपको ट्रांसलेटर निकाल के पूछना, क्योंकि ट्रांसलेटर में आप जिस सेंटेंस को जिस तरह प्रेजेंट करते हो, उस तरीके से अगर ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते हैं तो फिर या समटाइम वो हाँ लोकल स्लैंग, लोकल लैंग्वेज यूज हाँ करते हैं जो हाँ कि यूज नहीं हो ये है। पाती है। लैंग्वेज के बिना तो सर्वाइव करेंगे, लेकिन रशियन लैंग्वेज सीखेंगे लेकिन तो बहुत लेकिन आसानी एक्स्ट्रा स्किल होगी। होनी सीख अच्छी जाते बात हैं तो है। बहुत अच्छी बात है। हम जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अगर कोई वरी नहीं होगी, क्योंकि अपन को लैंग्वेज आती हाँ है। ओके, सो व्हाट अबाउट इमिग्रेशन? इमिग्रेशन जब आप रशिया आते हो तो इमिग्रेशन पे दे आस्क सम क्वेश्चंस, सो कैन यू टेल अबाउट देम कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं रशिया वाले, इंडिया वाले बोले इन रशिया? इमिग्रेशन इज क्वाइट इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। बस वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, बस ऑल दैट। और आपके प्रोविजनल लेटर वो सब बस चेक करते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझसे सिर्फ अपना एडमिशन लेटर दिखाने को बोला, और बाकी जो रशियन में बोला वो अंकित भाई ने उनको बता दिया। ओके, सो व्हाट इज द रीजन कि व्हाई डिड यू चूज रशिया फील्ड्स ओवर अदर कंसल्टेंट्स? क्योंकि हम लोग को जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में हमें चाहिए, हमें जो यूनिवर्सिटी चाहिए, हम लोग ने अपने रिसर्च की। हम लोग ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कंसल्टेंसी पे ही डिपेंड थे। हम लोग ने अपनी रिसर्च की, उसके बाद हम लोग ने बहुत सारी कंसल्टेंसी को कॉल लगाया। लेकिन सब कंसल्टेंसी अपना एक है ना, कोई एक कॉलेज पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि आप इसी कॉलेज में जाओ। हाँ, हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें रशिया फील्स ने जो हमें सर्विस दी, तो हम लोग उसी पे गए। और अभी तक आपको रशिया फील्ड्स ने जो आपको बताया अबाउट यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग, सो फार वो सब सारी चीजें आपको हाँ मिली हैं, हाँ हाँ फैसिलिटीज वगैरह बिल्कुल सब? बिल्कुल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वाज योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इन इंडिया विद रशिया फील्ड्स? बहुत इजी था, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अंकित भैया को मेल कर दिए थे, फॉर्म
उन्होंने सब वो प्रोसेस खुद ही कर लिया था। बहुत इजी था, हमने सीधा उनको दिया और हमें कोई टेंशन नहीं थी, सीधा उनको दिया, उन्होंने एकदम अच्छे से कंप्लीट करवा दिया और हमें लास्ट में वीजा वगैरह सब कुछ हमें दे दिया, कोई विदाउट एनी इश्यू। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स को डर लगता है डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने में कि मैं पासपोर्ट अपना कोरियर कर रहा हूँ इतनी दूर, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट, आपको क्या लगा कि आपको कोई इशू आया किसी तरह का कि आपको इससे प्रॉब्लम कुछ फेस करने पड़े? हाँ, मैंने फेडेक्स से कोरियर करने का ट्राई किया लेकिन वो नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने इंडिया पोस्ट से किया तो उन्होंने किया था। हाँ, उनकी सर्विस थोड़ा सर्विस थोड़ा स्लो था लेकिन उन्होंने किया। ओके, सो आपने किस कोरियर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड किए थे? मैंने ब्लू डार्ट से, बिकॉज आई रिसीव्ड नेक्स्ट डे इसलिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप वहां से लेके आओ या कुछ सीख के आओ उसके बारे में? कुछ मसाले लेके आओ, लगता है कम ला रहे हो लेकिन यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो मसाले मिलते हैं लेकिन वो एक्चुअली टेस्टी होता है। और थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीख के आओ। हाँ, और थोड़ा बहुत जैसे आप करेंसी लेके आ रहे हो डॉलर, तो उनको केयरफुली रखो वो, ताकि कहीं गुम ना, और उनको एकदम सेफली प्लेस करो, फोल्ड वगैरह मत करो और उस पर कोई राइटिंग हो वो सब मत लेके आओ, यहाँ पे आके फिर आपको प्रॉब्लम होती है, फिर आपको टेंशन होती है, ऐसा कुछ मत करो, वहां से आप सेफली आओ और सब कुछ ध्यान रखो अपना हेल्थ का। ओके, दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर शौकत भाई। भाई, आपने जैसे आप यू बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी एंड यू ईट हलाल चिकन, सो व्हाट अबाउट दैट, यू गेट हलाल चिकन ओवर हियर? हां, मतलब अगर आपको घर पे बनाने हैं या फिर अपने हॉस्टल में बनाने हैं तो आप मॉल से या फिर सुपरमार्केट से, उधर हलाल का सेक्शन है, आप जाके ले सकते हैं, ऐसा इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर फास्ट फूड वो सब खा रहे हैं तो एक बार उनसे पूछ लीजिए कि भाई जो चिकन वो दे रहे हैं हलाल है कि नहीं है, तो आपका ये क्या कहते हैं कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो आपने एडमिशन प्रोसेस, लाइक आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, सो डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दैट एडमिशन प्रोसेस, इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जाम, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, योर रिपोर्ट पिकअप एंड एवरीथिंग? नहीं, कुछ सब भी नहीं, तो अभी तक बहुत स्मूथ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओके, सो जैसे स्टूडेंट जब रशिया आते हैं तो फर्स्ट 3-4 days दे आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि उस टाइम आपको एडजस्ट करना होता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड, आपको यूनिवर्सिटी आना जाना होता है फॉर डॉक्यूमेंटेशन, हाउ वाज ऑल दैट? यहाँ पर जब हम आए तब तीन चार दिन तक अंकित भाई ने हमारा पूरा ख्याल रखा, खाने पीने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने हेल्प किया, टैक्सी आना जाना सब, हमें मतलब कुछ नहीं करना था, हमें बस डॉक्यूमेंट देना था और अंकित भाई सब कुछ अच्छे से करवा रहे थे, कोई इशू नहीं आया हमें, सब कुछ एकदम फ्लूएंट। ओके, सब कुछ आई डिड इट, बट आपने खुद सारी चीजें सीखी, हाउ टू बुक अ टैक्सी वगैरह वो सब आपको आ गया? वो हमें जैसे मतलब जाना था, हमें आना जाना, तो हम उस चीज से सीख गए, वो हमें इन फ्यूचर काम भी आएगा। ओके, सो हाउ वुड लाइक टू रेट रशिया फील्स फ्रॉम 1 to 10 अकॉर्डिंग टू लाइक ऑल द एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस? 10, आई आल्सो गिव 10। मैं 10 इसलिए देता हूँ, 10 सब बोल रहे हैं लेकिन आप लोग को लगेगा कि भाई ये लोग पीछे से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 10 देने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी है आपके सामने होता है, ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा ले लिया और आपके पीछे कुछ और काम कर रहे हैं। हम लोग अपने सामने देख सकते हैं कितने पैसे खर्चे हुए, क्या हुए, सब सामने देख सकते हैं, फेस टू फेस हम लोग उनको सामने पैसा देते, वो जहाँ पे खर्चा हो रहा है वो हम लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हो गया तुम्हारा पीछे और उसका अलग रेट लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये लेने का ट्रांसपेरेंसी है भाई और कुछ नहीं। ये सब सही है, और जैसे अदर कंसल्टेंट के थ्रू भी यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन उनके साथ क्या है कि आते ही उनकी सारी फीस ले ली जाती है, अब उनको पता नहीं कि पैसा दे दिया उन्होंने, लेकिन उनको पता नहीं उनका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, उनके साथ अगर घाटा हो रहा है उनको या नहीं हो रहा उनको पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम जो पैसा देते हैं वो हमारे सामने खर्च होता है, वो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि पीछे से घाटा हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट लाइक ट्यूशन फीस, आप क्या रिकमेंड करो स्टूडेंट्स को कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफर करना इज बेटर या फिर कैश में करें ट्यूशन फीस पार्ट? ये मतलब क्या 50-50 है बेसिकली, कि आप चाहे तो अगर आपको आप कैश लाना अगर ज्यादा प्रेफर करते हैं तो सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली डॉलर्स ही लाए, पर डॉलर्स को थोड़ा चेक कर ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ने कभी डॉलर्स इतने जल्दी मतलब कराया नहीं होता है, तो जो हर एक नोट है आप उसको अच्छे से चेक करें, उसमें कोई भी तरह का स्टैम्प हो या फिर कोई भी अच्छा डिफरेंट कलरिंग हो आप फटाक से उस ऑन द स्पॉट चेंज करवा लें, क्योंकि इधर डॉलर्स को चेक करने का सिस्टम बहुत टाइट है, वो आपके है ना, अगर आपने फोल्ड भी किए होंगे ना वो लेते नहीं है, और लेंगे तो बहुत कम रेट में लेंगे, आपका लॉस होगा। और दूसरा है कि अगर आप प्रेफर करते हैं कि अकाउंट ट्रांसफर करने का,
तो आप अकाउंट से कर सकते हैं, दोनों मीन्स सेम ही है, बस आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ओके, सो एनी फाइनल एडवाइस आप सब स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, एनी फाइनल एडवाइस जो आपने अभी तक नहीं बताया, कुछ जो आप रेकमेंड करना चाहते हो फ्रॉम पर्सन फ्रॉम योर स्टेट जो फ्यूचर में एडमिशन लेना चाहता है? मसाले लेके आए, बेसिकली यही है कि मसाले लेके आए, लगता है कम ला रहे लेकिन साल भर का रहने का है, तो मसाले लेके आए बेसिकली, और जो भी है थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेके आए। यहाँ पे आपको बोलते हैं बहुत सारे कंसल्टेंट के सब सामान मसाले वसाले सब मिल जाएंगे, लेकिन टेस्ट नहीं है, सिंपल ब्लैंड है, मतलब फीके आते हैं। और चाय पत्ती भी लेके आना, क्योंकि यहाँ की चाय पत्ती बहुत कमजोर है, उसका टेस्ट तक नहीं आता और कलर भी नहीं आता। यहाँ के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले में एकदम ना के बराबर है चाय। और आप फेक एजेंट से बचे, क्योंकि हमने हमने तो यहाँ खुद देखा है कि कुछ बच्चे आते हैं उनसे सीधे पैसे ले लिए जाते हैं, और इवन हमसे भी एयरपोर्ट पे वो उनको रिसीव करने आते हैं वहीं उनसे पैसे ले लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। और इवन कई है जो हमारी सेम यूनिवर्सिटी में है, सेम क्लास में, उनसे हायर फीस चार्जेस करे जा रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप रशिया फील से करें, क्योंकि इसमें आप आपको जो भी पैसा लगता है वो आपके सामने पूरा खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है वो सारा आपको रिकॉर्ड दिया जाता है। और एक और टिप है कि आप जल्दबाजी में ना करें, रिसर्च करें अपनी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक दो दिन में आप आराम से आप अपने कॉलेजेस डिसाइड कर सकते हैं, आप उसका अपना और बजट। कुछ एजेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो ऐसे डराते हैं कि भाई अगर आप उनके थ्रू जाओगे, रशिया फील्स के थ्रू जाओगे, वो अभी नए हैं तो वहां तुमको एंट्रेंस एग्जाम में फेल कर देंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं, आपको अगर अच्छे से आता है तो आप पास हो जाओगे, वो मतलब आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीजें बोलते हैं और इनके इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं हम लोग। और ये क्या कहते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंसी बोलते हैं कि आपको हमें पे नहीं करना, आपको सीधा कॉलेज में पे करना है, पर उसका मतलब आपको रशिया में आके इधर कॉलेज को पे करना है, लेकिन वो सब होता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, आप इधर आ गए, आपसे है ना जितने भी आपने अपने पैसे लाए हैं, मतलब कॉलेजेस के, मेरा कॉलेज हॉस्टल और जो भी इनके कंसल्टेंसी चार्जेस जो भी आपने डॉलर्स में कन्वर्ट करके लाए वो आपसे ले लेते हैं ऑन द स्पॉट, मतलब चाहे वो एयरपोर्ट में ले लेते हैं या फिर आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो आपसे पूरा का पूरा ले लेते हैं, यानी इन केस आप उनके उनसे बॉन्ड हो गए। अगर सपोज कि किसी स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनको अच्छा नहीं लगा या फिर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, बोल रहे मेरे को इंडिया वापिस जाना है, तो फिर वो सब केसेस में ना वो लोग बोलते थे कि भाई हमने तो कॉलेज में पेमेंट कर दी, जबकि एक्चुअली हुई नहीं होती है। तो ये सब चीज़ से बचे आप थोड़ा। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, आपने कोई भी एजेंसी सिलेक्ट किया हो अच्छी है, मतलब आपका डिसीजन है, हम लोग उस पर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक ये बात है कि आके फिर दूसरे बच्चे या फिर दूसरे कंसल्टेंसी से उनके रेट ना पूछे, क्योंकि फिर आप अगर सपोज उनके कम है और आपके ज्यादा है तो आपको फिर बुरा लगना शुरू हो जाता है, वो एक गिल्ट तरह का फील आता है। वो बेटर इसको आप पहले अवॉइड कर ले, आप बेटर रिसर्च करके आए तो वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय बाय।